Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi guys, welcome back to Technoxity. This is Adnaan, Ahmed back with another video. So guys, aaj ki is video mein hum baat karenge charging ke bare mein. Charging basically wireless charging aur truly wireless charging ke bare mein. तो बेसिकली आप लोग यूज़ करते थे चार्जर्स का बहुत ज़माने से और यूज़ करते करते उनकी स्पीड बढ़ी, टाइप्स बदले और अभी आप यूज़ करते थे कुछ साल पहले, मतलब एक या डेढ़ साल पहले से आप वायरलेस चार्जिंग भी यूज़ कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ नए टेक्नोलॉजी के बारे में जो MI की तरफ से है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं किस बारे में हम बात करने वाले हैं। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं MI एयर चार्ज के बारे में। मैं इसे क्यों ट्रूली वायरलेस बोला रहा हूँ, ऐसा कोई कंपनी ने शायद ही मेंशन किया होगा, मैंने तो पढ़ा भी नहीं। लेकिन आप, अगर आपको मैं ये क्लियर कर दूँ कि आप लोग जो टेक्नोलॉजी वायरलेस के नाम से यूज़ कर रहे हैं उनमें क्या आप वायर्स का यूज़ नहीं करते, आप केबल्स यूज़ करते हैं, पैड यूज़ करते हैं और स्टैंड भी यूज़ करते हैं बेसिकली चार्ज करने के लिए। आपने देखे होंगे ट्रैक पैड्स जो आते हैं, माउस को वायरलेसली चार्ज करते हैं, फिर आईफोन के जो अभी आए थे वो कुछ मैक नाम से, उनको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेस चार्जिंग। आप वायरलेस चार्जिंग के साथ रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हैं और इनकी स्पीड भी कुछ ठीक ठाक थी। और जैसे वायर फर्स्ट टेक्नोलॉजी आई थी वायर की, तो वायरलेस विदाउट वायर मतलब वायर के साथ आप चार्ज कर सकते हैं 125 वाट तक। और फिर उसके बाद आई वायरलेस टेक्नोलॉजी और इसके नाम पर आप वायर भी यूज़ कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल वायर यूज़ नहीं करेंगे। और इसमें भी थोड़े फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजीज आ गई थी। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रूली वायरलेस की, तो इसका मतलब पहले आपको बता दूं MI की तरफ से एयर चार्ज नाम की टेक्नोलॉजी, इसमें आप लोग बहुत ही आसानी से ट्रूली वायरलेस चार्जिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका चार्जर पड़ा होगा किसी कोने में, या फिर पता नहीं कि चार्जर भी होगा कि नहीं, या फिर आप ऐसे ही जैसे नॉर्मल यूज़ करते हैं। आपको अभी के लिए आइडिया नहीं दे सकता मैं, मतलब मैं समझ चुका हूँ लेकिन आपको वीडियो के थ्रू समझाना मुश्किल है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप कोई आर्टिकल पढ़ें इसके बारे में, तो डिटेल में समझ में आ जाएगा। और गाइस, अगर हम बेसिक बात करें डिवाइसेस की, तो इन डिवाइसेस के लिए आपको स्पेसिफिक हार्डवेयर चाहिए। तो आप जो आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं डिवाइसेस उन पर तो होगा नहीं, तो जैसे ही टेक्नोलॉजी लॉन्च होगी एकदम फुली फुल जूम में जब चलेगी, तब आप लोगों को अपने डिवाइसेस पर ये टेक्नोलॉजी और इसके कंपेटिबल हार्डवेयर भी इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अभी के लिए कितने वाट की चार्जिंग प्रोवाइड करता है, तो बस 5 वाट की। तो आप कहाँ 125 वाट के ज़माने में 5 वाट की वायरलेस चार्जिंग लेके घूमोगे। तो इसके लिए Xiaomi ने इस साल तो लॉन्च नहीं कर रहा है, कंज्यूमर को इस साल तो नहीं मिलेगा, तकरीबन एक साल लगेगा। जो आप नॉर्मल वायरलेस चार्जर्स यूज़ करते हैं वो होते हैं QI स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड, जो कि होते हैं जो कि अपने डिवाइस को चार्ज करते हैं मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर आपका डिवाइस चार्जर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो आपका डिवाइस बिल्कुल चार्ज होता है। लेकिन अगर आप बात करें Xiaomi के MI एयर चार्ज की, तो ये तकरीबन कुछ मीटर, सेवरल मीटर्स करके मेंशन किया है, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया है, तो सेवरल मीटर्स तक आपको बहुत ही आसानी से चार्ज कर देगा। फिर उसके बाद गाइस आ जाता है नेटवर्क का रेडिएशन का इशू। हेल्थ इम्प्लिकेशंस के बारे में Xiaomi ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है। अगर आप सोचें तो 4G नेटवर्क जब आया था तभी लोगों ने रेडिएशन के बारे में बहुत ज़्यादा डर गए थे लोग, और उसके बाद अभी एयरटेल ने 5G भी लॉन्च मतलब अनाउंस कर दिया है, और उसके साथ अगर हम चार्जिंग भी वायरलेस कर दें तो आप सोच सकते हैं कि अपने दिमाग पर कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा रेडिएशन का। तो ये सभी चीज़ें सोचने की बात है। और आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या आपको वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी चाहिए, अगर क्या आप यूज़ करेंगे, क्या आप प्रीफर करेंगे, क्या आप प्रीफर करते हैं वायरलेस या फिर वायर्ड और फास्ट चार्जिंग वर्सेस नॉर्मल, और क्या आप 5 वाट वायरलेस चार्जर चार्जिंग प्रीफर करेंगे या फिर 125 वाट वायर्ड चार्जिंग, सब कुछ बताइएगा कॉमेंट्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, गुड बाय।